दोस्तों भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया। भारतीय टीम ने बना डाले 339 रनों का बड़ा स्कोर। बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा 6 रन बनाकर पवेलियन चले गए। वहीं यशस्वी जायसवाल ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेल डाली। यशस्वी ने अपने पारी में 9 चौके भी लगाए। वहीं शुभमन गिल 0 के स्कोर पर पवेलियन चले गए। इस मैच में विराट कोहली पे पूरा भरोसा था कि इस मैच में अच्छा करके दिखाने वाले हैं, लेकिन विराट कोहली 6 रन बनाकर पवेलियन चले गए। वहीं ऋषभ पंत ने भी 6 चौके की मदद से शानदार 39 रनों का योगदान दिया। केएल राहुल ने भी 16 रन बनाकर पवेलियन चले गए। भारतीय टीम का स्कोर 100 रन भी नहीं हुआ था और 4 विकेट गिर गए थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 स्कोर भी नहीं बना पाएंगे। भारतीय टीम की तरफ से 7वें विकेट के लिए रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के बीच 195 रनों का पार्टनरशिप हुआ। रविचंद्रन अश्विन ने 2 छक्के 10 चौके की मदद से शानदार शतकीय पारी खेली। वहीं रविंद्र जडेजा ने नाबाद 86 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। जडेजा ने अपने पारी में 10 चौके 2 छक्के भी लगाए। भारतीय टीम ने पहले इनिंग के 80 ओवरों में 6 विकेट खोकर 339 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद को 4 विकेट मिले। वहीं हसन मिराज और नहीद राणा इन दोनों को 1-1 विकेट मिले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।